वेस्टइंडीज और भारत के बीच जमैका के सबरीना पार्क स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत की पहली पारी 416 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 117 रन पर ही सिमट गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 299 रन की बढ़त मिली। ऐसे में टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपिंग के मामले में पछाड़ दिया है। दरअसल भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंद पर जैसे ही युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने विकेटों के पीछे से सलामी बल्लेबाज ब्रैथवेट का कैच लपका, उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ दिया। जी हां, ऋषभ पंत विकेटों के पीछे से खड़े होकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 शिकार करने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने धोनी के 15 टेस्ट मैचों में 50 शिकार के साथ पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि ईशांत पारी के 47वें ओवर में वेस्टइंडीज के ज़हमर हैमिल्टन को आउट कर कपिल से आगे निकले। ईशांत के नाम अब एशिया के बाहर टेस्ट क्रिकेट में 156 विकेट है। अनिल कुंबले इस लिस्ट में 200 विकेट के साथ टॉप पर है। इस सूची में जहीर खान चौथे नंबर पर है। उन्होंने 38 टेस्ट मैचों में 147 टेस्ट विकेट लिए हैं। इससे पहले ईशांत ने मैच के दूसरे दिन 57 रन की पारी खेली थी। ये टेस्ट क्रिकेट में उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।